तो बोलती है कि भाई इसमें आपको 20 युआन देने पड़ेंगे, यानी लगभग मान के चलो 90 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों भाई, ये सारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए देखो ये आपको दिख रहे होंगे चार्जिंग पॉइंट लगा रखे हैं। ये दोस्तों मैप लग चुका है यांग जियांग से जियांग मैन के लिए 160 किलोमीटर और 127 रेड लाइट मुझे आज मिलने वाली है। सब लोगों की घरों की विंडोज को देखो इन्होंने कैसे कवर कर रखा है जालियों से चारों तरफ, और ये सारी मेन रोड पर खुलती हैं। यहाँ से मैं एग्जिट होने वाला हूँ ऑलमोस्ट, तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लग रही है इनके नीचे मार्केट होता है भाई। युना नमस्कार दोस्तों, मैं कर रहा हूँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर। इस वक्त मैं चाइना के यांगजियांग नाम के एक शहर में हूँ, और मेरे रूम की विंडो से आपको नजारा नजर आ रहा होगा। सामने देखो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े टावर हैं, सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी रोड है नीचे, और मैं हूं अभी 9वें फ्लोर पर, और अभी मैं जा रहा हूं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। अपनी राइड स्टार्ट करने वाला हूं यांगजियांग शहर से जियांग मैन के लिए। देखो यहाँ के नाम बड़े ही सिमिलर से और हमारे लिए बहुत ही अलग हैं, जैसे हमारे यहाँ के नाम इन लोगों के लिए बहुत अलग हैं। आज की राइड बहुत स्पेशल होने वाली है, आज की राइड होने वाली है भाई 160 किलोमीटर की। इस टूर की अभी तक की सबसे लंबी राइड आज होने वाली है। ये मेरे रूम का कुछ नजारा है, अगर इसकी बात करें तो मैंने इसका 79 युआन पे किया है। हमारी लीलन पर सारा सामान फिक्स कर दिया। प्लीज भाई लोग वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये होटल है जहाँ से अभी मैं चेकआउट कर चुका हूँ, और सुबह के 8:39 में काफी जल्दी राइड स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, सोचा था 7 बजे निकल जाऊंगा लेकिन उठा ही 7 बजे था मैं। और ये यहाँ की कार है भाई वुलिंग, जो मैं आपको बताता हूँ काफी पॉपुलर कार है, इलेक्ट्रिक कार है। ये दोस्तों मैप लग चुका है यांगजियांग से जियांग मैन के लिए 160 किलोमीटर और 127 रेड लाइट मुझे आज मिलने वाली हैं। तो भाई ये इसका मैप का नज़ारा है, राइड स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मेरे मैप के अकॉर्डिंग आज मुझे 127 रेड लाइट्स पार करनी है भाई, साइकिलिंग मैप के अकॉर्डिंग। ये मेरी दूसरी, हाय थैंक यू, ये मेरी दूसरी रेड लाइट है जिसको अभी पार कर रहा हूँ मैं। इस तरफ मैं पहली बार ही आ रहा हूँ इस गली में, नहीं मैं उस तरफ कई बार गया हूँ सामने की तरफ। तो यांगजियांग में एक अच्छा दिन बिताने के बाद मैं फिर से हाईवे पर निकल पड़ा हूँ और जियांग मैन की तरफ, यांगजियांग जियांग मैन, नाम भी देखो सिमिलर सा ही है। अभी तक की तीसरी ट्रैफिक लाइट आ गई है, मुझे 127 ट्रैफिक लाइट पार करनी है और इस पर टाइम भी चल रहा है। लेफ्ट साइड में इनका बड़ा सा मॉल है और सामने ट्रैफिक लाइट, इतनी ट्रैफिक लाइट्स हैं हर 100 मीटर 200 मीटर पर, हर जगह पर आपको ट्रैफिक लाइट्स मिलेंगी थोड़ी थोड़ी दूर पर ही, कभी कभी तो 100 मीटर में तीन तीन भी आ जाती हैं, होता है ऐसा कई बार। सो दोस्तों पहले 12 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लिया है पानी के लिए और हेलमेट वगैरह पहनने के लिए, गॉगल्स पहनने के लिए, क्योंकि अब धूल मिट्टी आ गई है। वहाँ पर सिटी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ से बाहर निकलते अब खाली रास्ता आ जाएगा। और मेनली एक बार मैं फिर से रीचेक करता हूँ मैप का, क्योंकि मेरे साथ एक दो बार हुई है चोट की, मैं लगाना कहीं का गलती से कहीं का टच होकर और वो कहीं और ले जाता है मैप, तो मैं मैप भी रीचेक कर रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ, और उसके बाद में हम गॉगल्स वगैरह पहनकर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। 12 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे लगा चलो यार पानी की बोतल खरीद लेते हैं, तो एक पानी की बोतल खरीदी है भाई, ये 3.50 युआन की पड़ी, यानी इंडियन की रुपीज़ में अगर बात की जाए तो 40 रुपये के आसपास, और कुछ कुछ स्टोर पे पड़ती है 30-33 रुपये के आसपास, तो कहीं महंगी कहीं सस्ती है। और ये नज़ारा भाई छोटे से टाउन का भी ख़त्म नहीं हुआ अपना एरिया। 9:49 पहले 20 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और 140 किलोमीटर का सफ़र और रहा है, और इस वक्त सामने एक ट्रैफिक लाइट आ गई है, तो यहाँ पहले ही पता चल जाता है कितने सेकंड की है। देखो अभी भी ये 60 सेकंड दिखा रहा है, तो अपन आराम से वहाँ तक 60 सेकंड में पहुँच जाएंगे, इसलिए मैंने कैमरा निकाल लिया पहले ही। और बस ऐसा हाईवे रहे तो मज़ा आ जाए, बट आई नो ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि ये लोग अभी थोड़ी देर में डिवाइड करने वाले हैं सिटी थोड़ी ख़त्म होने के बाद। तो लेफ्ट साइड में जो आपको बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं वो वहाँ पर है इनका मेन हाईवे, जिस पर हमें जाना अलाउ नहीं है साइकिल्स को। और ये जो देख रहे हो ये भाई इनका पैरेलल चलने वाला हाईवे है। अब अगर चाइना में टोल टैक्स की बात करें, जो हम टैक्स पे करते हैं, वो है अगर आप मेन हाईवे पर जाते हो। अब ये हाईवे देखो इनका नॉर्मल हाईवे है, कहने का मतलब लोकल हाईवे है, इस पर कोई भी आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप प्रॉपर हाईवे पर जाते हो तब आपको पेमेंट करनी पड़ती है। और पहले अपने 30 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, 10:15 हो गई है। यहाँ पे आगे यिंग करके एक टाउन आएगा जो 30 किलोमीटर बाद, वहाँ आज हमारा ब्रंच रहेगा, यानी ब्रेकफास्ट प्लस लंच एक साथ ही। सो लेट्स गो मोर 30 किलोमीटर। तो पीछे मैंने हाईवे छोड़ दिया है और अभी इस तरफ आ गया हूँ। वक्त हुआ है 11
और अभी तक मैंने लगभग 47 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। स्पीड काफ़ी अच्छी है, ये एक हाईवे को दूसरे हाईवे से जोड़ती है। ये भी मेन हाईवे नहीं है, नॉर्मल हाईवे है, लेकिन ये जोड़कर सीधा यनपिंग सिटी की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। अभी छोटा हाईवे होगा शायद ये, लगभग 114-115 किलोमीटर का सफ़र हमें इस हाईवे पर कवर करना होगा। लेट्स सी और क्या ट्रांजेक्शन्स आते हैं, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। इस तरफ ऐसे खेत आ रखे हैं और ये एकदम सिंगल लोकल हाईवे आज गया है। चाइना में घर देखो भाई, सब के ऐसे ना दो दो फ्लोर के तो मिलेंगे, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, हालांकि ये तो सिटी है। बाकी इसके अलावा इनकी मर्जी है, 10-15-20-25 जितना बनाना है वही है। तो फाइनली पहले 50 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, 2 घंटे 18 मिनट में 110 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है। हमारे मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 50 किलोमीटर का साइन आ गया था यहाँ पर, और जो सिटी है वो यहाँ से 8 किलोमीटर अभी नहीं आई है बस। ये उसके बाहर का नज़ारा है, मेरे ख्याल से कोई बड़ा ही टाउन आने वाला है, जिस हिसाब से आगे बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं। आपको याद हो वो 143 हो भाई साहब, रेन एंड पेन खतरनाक था वो, मेरे बैक में इतना गंदा पेन हो रहा था, लेकिन मुझे पहुँचना था वो निनबिन सिटी। कंटिन्यूसली राइड की थी भाई, बारिश में वो भी इतना ज़्यादा थका हुआ, मेरे से हिला नहीं जा रहा। अगर मैं साइकिल पे ऐसे बैठा हूँ तो ऐसे ही बैठा हूँ, अगर उतर गया तो उतर गया। उस दिन सडनली पेन हुआ था और वो एक ही दिन का दर्द था, थैंक गॉड, उसके बाद मैं बेटर फील करने लग गया था। यहाँ कैमराज देखो कितने लगा रखे हैं, ऊपर देखो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ, बहुत तगड़ा टाइट सिक्योरिटी है भाई इस देश में, खतरनाक लेवल की। चाइना में मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि यहाँ की हर सिटी की एंट्री पर और एग्जिट पर एक नदी ज़रूर मिलेगी। तो भाई ये देखो कितनी चौड़ी नदी है, और ये दूसरी नदी है, यहाँ पर एक एंट्री पर आ गई थी, उसके बाद एक ये, और अब ये एग्जिट होगा तो एक और आ जाएगी। ये शहर की प्रॉपर एंट्री हो रही है अभी देखो इस जगह पर, और उस तरफ भी हाईवे है, और ये इनकी गगनचुंबी इमारतें। तो ये बड़ा टाउन लगा ये, इसके अंदर मैप में अलग से शो हो रहा था। काइंड ऑफ मेन चौक आ गया भाई देखो, ये पूरा यहीं अपने को मिलेगा कुछ खाने पीने के लिए, यहाँ से अपन ब्रेड्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो चलो यही रोकता हूँ फिर मैं। ये देखो भाई ओरियो की रेट यहाँ पर लगभग 50 रुपये के आसपास है, और ये पता नहीं किलो के हिसाब से दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं, एक पैकेट की है। और यहाँ पर अंडे कुछ इस तरीके से मिलते हैं देखो, ये पैक्ड अंडे रहते हैं, बॉयल करके डाल देते हैं, तो ये नज़ारा है। तो मैं कुछ खाने के लिए बिस्किट्स वगैरह लूँगा, कुछ कुकीज़ वगैरह, और बाकी देखते हैं क्या लेते हैं। ये देखो भाई ये 150 रुपये की यहाँ पर लॉलीपॉप ले सकते हो 500 ग्राम। ये चॉकलेट्स 80 रुपये या 90 रुपये किलो, 90 रुपये के 500 ग्राम के हिसाब से बेची जा, इस तरीके से बेची जाती हैं भाई चीज़ यहाँ पर देखो। तो ये भाई मेरे को पड़ी 50 रुपये की, और ये थी 200 ग्राम। इसके अलावा भाई ये सीन था, अगर कहीं फ्रूट देखूँ यार, फ्रूट्स खाना ज़्यादा बेटर रहता टूर पे, तो मैं केले वगैरह खरीद देता हूँ, मेरे पास कुछ रखे हुए थे, मैंने ब्रेकफास्ट में खा लिए थे बादाम वगैरह। तो अब मैं पर फ्रूट शॉप देखकर और फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लूँगा, इस तरफ आगे चलते हैं वहीं मिल जाएगा। सब लोगों की घरों की विंडोज़ को देखो इन्होंने कैसे कवर कर रखा है जालियों से चारों तरफ, और ये सारी मेन रोड पर खुलती हैं। और इस तरफ ये शायद होटल जैसा लग रहा है, लेकिन शायद ये किसी का घर है, पता नहीं क्या सीन। यहाँ से सामने रेड लाइट है, 83 सेकंड की ओर दिखा रखी है, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा तो ब्रेक मारना पड़ेगा लंबा यहाँ पर। एक चीज़ तो है ये सही बात है, 127 ट्रैफिक लाइट ज़रूर आएंगी भाई। देखो अभी एक किलोमीटर भी नहीं हुआ, तीसरी आ गई, बीच में मैंने एक दिखाई नहीं, हालांकि मैंने उसको तोड़ दिया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, वो रेड हो रखी थी और मैं सीधा का सीधा ही निकल गया। बाकी ये भी देखो 23 सेकंड की है, सामने चल रही है, उसके बाद आगे एक और दिख रही है, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स है। बड़ा सुंदर सा आकार बना के सामने एक यहाँ पर एक पगोड़ा सा भी नज़र आ रहा है देखो सामने की साइड में, यह भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और राइट साइड में यहाँ पर नदी है, ये यनपिंग शहर है, यनपिंग सिटी मैप में छोटा सा दिख रहा था भाई, काफ़ी बड़ी सिटी है शायद ये सामने देखो, ये बुद्धिस्ट टेम्पल का एक समझ तरीके से निशानी समझ रहा, लेकिन टेम्पल नहीं है, सिर्फ यही बचा हुआ है। ये देखो यहाँ पर नज़ारा कम से कम भी शायद 11 या 13 फ्लोर का है, और राइट साइड में एक बीच में काफ़ी चौड़ी नदी भी बह रही है, काफ़ी सुंदर जगह है यार ये, तो पहाड़ी एरिया भी है यहाँ पर। इधर राइट साइड में माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं, दिखाता हूँ आपको थोड़ा आगे जाकर। यार ताज्जुब करने वाली बात है देखो, एक बार आप ना कभी कभी इतना सरप्राइजिंग लगता है कि यार कितना क्लीन है, एक बार आप देखो यार। मैं मतलब इंडिया की बुराई नहीं कर रहा इसमें, बहुत सारे लोग फिर बोलने लग जाते हैं कमेंट्स में, बट भाई वाकई में लग रहा है, मैं क्या छुपाऊँ क्या इसको, अभी मुझे काफ़ी सही लग रहा है देखो, एकदम साफ सुथरी रोड्स है चारों तरफ यार, काफ़ी बड़ी सिटी है यार, बहुत बड़ी सिटी है, तब से मैं चल ही रहा हूँ देखो, अभी तक मैंने कई बार कैमरा ऑन ऑफ कर लिया है, मुझे उससे भी बड़ी लग रही है जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, यानजियांग करके, यानजियांग से भी बड़ी लग रही है, तो जिस हिसाब से मैं जाता जा रहा हूँ। पहली बार ये रिक्शा भी देखा अपने दिल्ली में, खूब चलता है, एक बूढ़े अंकल जी चला रहे हैं। बाकी एक चीज़ और ये है यहाँ पर ना, यहाँ पर एटलस साइकिल भी चलती है, मैंने कई बूढ़े बूढ़े अंकल लोगों के पास देख ली एटलस, सब लोग लेके घूमते हैं एटलस साइकिल यहाँ पर।
जो अपने इंडिया में पॉपुलर है ना, और वो शायद इंडियन ब्रांड है एटलस। और वो सबसे ज़्यादा मैंने देखा था कहाँ पर, मलेशिया में। मलेशिया में एक जगह है मलाक्का, वहाँ पर साफ साफ वो बोल रहे थे कि भाई ये इंडिया का मॉडल बता रहे थे वो भाई लोग जितने भी थे, एटलस पर उन्होंने रिक्शा लगा के लोगों को घुमा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा था। ये लो दोस्तों एक और ट्रैफिक लाइट, यानी मैं चलता हूँ फिर रुक जाता हूँ, चलता हूँ फिर रुक जाता हूँ। ये भी 60 सेकंड बचे हैं अभी यहाँ पर भी, यहाँ तो ब्रेक मारूंगा, ट्रक व्रक जा रहे हैं ज़्यादा ही बड़े बड़े। पैदल यात्रियों के लिए भी अच्छी सुविधा दे रखी है, देखो ऊपर ये बना रखा, कई सारी जगह बना के रखते हैं, देखो उस कोने में भी बना हुआ है और उस कोने में भी बना हुआ है, उस कोने में नहीं बना हुआ, वहाँ पर कुछ बना ही नहीं हुआ वैसे भी। तो ऐसी इस तरीके से कई सारी सिटी में देखा मैंने, और वो वहाँ पर देखो उनकी पॉपुलर कार वुलिंग और या कीवी, सब की थीम बना के रखते हैं, मैं दिखाता रहता हूँ आपको। चलो हमारी ग्रीन लाइट होगी, निकलता हूँ। 3, 2, 1, गो 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 गो। दोस्तों पहले 70 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए हैं और उस सिटी से बाहर आ गया था, काफ़ी अच्छा हाईवे मिला। अभी भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी रोड है, और मैं बढ़ रहा हूँ ये गांव से आगे थोड़े, जैसे हम सिटी से बाहर निकलते हैं डिट्टो अपने जैसा एरिया लगता है, लोग भी आराम से बैठ कर, देखो साइड में बस का वेट करना, सारी चीज़ें अपने जैसा ही है भाई, पूरा चाइना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चीज़ें भी वैसी हैं, बस शहर थोड़े से अलग दिखते हैं, बाकी सेम सेम ही है सारा। और अब चाइना में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, जियांगमेन से गुआंगझाओ फोशन होते हुए और गुआंगझाओ से फिर शेंगेन, शेंगेन ही नाम है क्या, हाँ शेंगेन करके कोई जगह, शेंचेन एक शेंगेन करके, और फिर वहाँ से मैं हांगकांग। तो यस गाइस ये सीन है, बाकी दिनों के मुकाबले दिन काफ़ी गर्म है आज, और हवा भी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन हवा हमारा साथ दे रही है, यानी हमें अच्छा फील करवा रही है, अपोजिट है लेकिन हाँ ठंडी ठंडी लग रही है, मज़ा आ रहा है। चाइना में सबसे ज़्यादा पेट्रोल पंप है सिनोपेक करके, हर एक जगह पर आपको ये दिखेंगे, कहीं भी देख रहा हूँ तो वही वो दिख रहे हैं, कोई छोटे कोई बड़े, उसके साथ साथ जैसे ट्रैफिक लाइट्स है वैसे। मेरी लाइफ का पहला सबसे लंबा सफ़र था 150 किलोमीटर का, जब मैं जयपुर से अजमेर गया था, यानी जयपुर के जिस हिस्से से मैं अजमेर के जिस हिस्से में गया था, तो वो 150 था पूरा, थोड़ा सा ज़्यादा था, और वो मेरा ज़बरदस्त, वो मेरा पहला ऐसा टूर था जिसके अंदर मैं अपने आप को खोल पाया था कि हाँ मैं कर सकता हूँ 150, और मेरे लिए बड़ा गजब का था। और सबसे पहले मैंने जो 100-150 किलोमीटर किए थे वो थे दिल्ली से नारनौल, ओ भाई साहब वो तो मेरा यादगार लम्हा यार, मैं दिल्ली से निकला सुबह सुबह 5 बजे, वो भी एकदम बेसिक बाइक स्किल से, और मैं रेवाड़ी का टारगेट था 90 किलोमीटर, रेवाड़ी तो पहुँच गया मैं 1 बजे ही, मुझे लगा यार ये तो बहुत जल्दी पहुँच गया मैं, चलो आगे चलते हैं। फिर वहाँ से 60 किलोमीटर आगे नारनौल पड़ता है, गैली चौकी गांव पड़ता है, वहाँ गया था भाई पहली बार लाइफ में, 30 किलोमीटर करता था और डायरेक्टली अगले दिन ही 150 किलोमीटर मार दिया, पहुँचा था थोड़ा सा हिम्मत तो नहीं रही थी पाँव में, बट कर दिया था, फिर अगले दिन मैं घर पहुँच गया। तो भाई वो मेरा सबसे तगड़ा टूर था, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं अगर अपने आप को मजबूत बना ले तो, आप कितनी भी हद तक जा सकते हो, कितना भी मेहनत कितना भी वर्कआउट कर सकते हो, बस अपन लोग सोच लेते हैं माइंड में कि यार हो गया अब हम थक चुके हैं, तभी हम थक जाते हैं, ये सीन है भाई साहब, बाकी पता नहीं आप देख लो। तो ब्रांड देख रहे हो राइट साइड में, ये 7-Eleven जैसा सा ही है, और ये भी बहुत है यहाँ पर चाइना में, ये दोनों ब्रांड सामने सामने, यहाँ पर कंपटीशन बहुत है ब्रांड्स में, जैसे कि जहाँ मैकडी होगा वहाँ पर KFC होगा, KFC होगा वहाँ पर मैकडी होगा, आजू बाजू में निकालते हैं। अब जैसे इस लाइट से मैं निकलूँगा, सामने एक और ट्रैफिक लाइट तैयार है, वो देखो सामने रेड होगी, 200 मीटर होगा मेरे ख्याल से यहाँ से वहाँ तक। दोस्तों 2:46 हो गई हैं और हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, 100 भी नहीं 101 किलोमीटर पूरे हो गए, अब हमारे सिर्फ 59 किलोमीटर रहे हैं, बड़ा अच्छा खींच के लेकर आया हूँ भाई सीधा कंटिन्यूसली। और ये भाई देखो मंदिर जैसी दिखने वाली जगह, लेकिन टेंपल नहीं है, यहाँ से आगे एक टाउन नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पता नहीं बड़ा है छोटा है, नहीं नहीं ये छोटा सा ही टाउन है, बस लिखा तो बड़ा सा लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं अभी देखते हैं, शायद बड़ा शहर वही आएगा जियांगमेन ही, जो यहाँ से 59 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी यहाँ पर आपको चारों तरफ पहाड़ जरूर दिख जाएंगे, उस तरफ भी लेफ्ट साइड में सामने भी नज़र आ रहे हैं, हाईवे पर नहीं है, और हाईवे काफ़ी अच्छा मिल रहा है आज और दिनों के मुकाबले। बाकी बाइकर्स आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ भी खूब सारे बाइकर्स हैं और हर जगह पेड़ पौधे लगा रखे हैं, यह माहौल है चारों तरफ का। यहाँ पर मैंने बताया नदी आएगी, इसका मतलब कोई ना कोई टाउन भी आएगा, तो बिल्कुल अभी एक टाउन आ रहा है, इसके बाद मुझे दिखने लग गई गगनचुंबी इमारतें सामने नज़र आ रही हैं थोड़ी दूर में। ये देखो दोस्तों राइट साइड में नदी, और सामने आपको गगनचुंबी इमारतें नज़र आ रही होंगी लेफ्ट साइड में भी, यानी कोई बड़ा ही टाउन आने वाला है। तो एक चाय पानी का ब्रेक ले लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद अपन राइड फिर स्टार्ट करेंगे, 2-3 घंटे में अपन लोग फिर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 20 की स्पीड से तो अपनी लीलैंड चलती है,
और अभी 58 ही रहे हैं यहाँ से। ये लो दोस्तों एक और ट्रैफिक लाइट और अपन पहुँच गए हैं एक सिटी में। इस सिटी का नाम तो नहीं पता क्या है, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, साइकिल का बना हुआ रास्ता और यहाँ पर ट्रैफिक लाइट रेड हो रखी है, इसके बाद ये ग्रीन हो जाएगी तो अपन लोग निकल लेंगे। ये देखो दोस्तों एक लंबी चौड़ी नदी और नज़र आ रही है राइट साइड में, बहुत सारी नदियाँ भाई यहाँ पर बहुत सारी। और यहाँ पर मैं शायद बाहर आ चुका हूँ सिटी से, मैंने गलती कर दी, मार्केट पीछे छूट गया है, कोई नहीं आगे कोई दूसरे शहर में जाकर खाऊंगा अब खाना, चलते रहो आगे। यहाँ से मैं एग्जिट होने वाला हूँ ऑलमोस्ट, तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लग रही है इनके नीचे मार्केट होता है भाई, तो मैं अभी यहाँ से यूटर्न लूँगा आगे जाकर। ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ से लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा मेरे को, राइट साइड में भी होगा मार्केट पता नहीं, लेकिन इन बिल्डिंग्स के पास ज़रूर होता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो खाना पीना खाने के लिए यहाँ ज़रूर जाते हैं नीचे ऊपर। तो वेट करता हूँ अभी रेड लाइट होने का। हमने देखो वहाँ पर KFC और लुकिन कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी शॉप में चलते हैं भाई। हाँ ये भी ठीक काम है कि ग्रीन लाइट हो जाती है पैदल चलने वालों के लिए, तो आराम से निकल जाते हैं। इस तरफ चलते हैं कोने में कहीं पार्क करके, कुछ खाते पीते हैं, भूख लगाई है, बढ़िया वाली कॉफ़ी पी लेंगे कुछ खा लेंगे। तो पूरा 110 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और अभी ये जो RT मार्ट लिखा हुआ है इसमें जाकर कुछ फ्रूट्स खरीद सकते हैं अपन लोग, तो सबसे पहले इसमें जाऊंगा, फिर वो सामने कॉफ़ी शॉप है किधर, इधर है किधर थी वो, वहाँ जाके कॉफ़ी पीऊँगा। चलो चलते हैं। मेरी कॉफ़ी पीने के लिए आज मैं KFC में आया हूँ भाई और मैंने ये ऑर्डर किया है यहाँ पर, और इसके साथ ही मैंने जो अपना केक लेकर आया था वो खा रहा हूँ। इससे बाहर निकल कर आपको एक बात बताऊँगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको लुकिंग जो कॉफ़ी थी उसमें जाने की बात कर रहा था, यहाँ से बाहर जाकर बताता हूँ। तो लगभग 4:30 हो गए हैं, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, मैंने रेस्ट नहीं किया था लगभग 110 किलोमीटर हो गए थे, तो मेरा कॉफ़ी पीने का मन था इस ब्रांड में, मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था। ये लुकिन कॉफ़ी करके है, या चाइना में काफ़ी ज़्यादा जगह देखा था मैंने, उस तरफ KFC था, तो मैं इसके अंदर भाई ऑर्डर करने के लिए गया। अब ये जाते ही सबसे पहले उन्होंने बोला WeChat खोल लो, WeChat खोल के उन्होंने गूगल पर दिखा दिया मुझे, WeChat खोल कर WeChat से आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे अपने WhatsApp वगैरह चलता है वैसे यहाँ पर WeChat वगैरह चलता है और उसी से ऑर्डर हो जाता है, फ़ोनपे वगैरह में होता है, पेमेंट भी कर सकते हो। तो बैंक लिंक नहीं इनके साथ में तो पेमेंट तो मैं नहीं कर सकता, तो उसमें इन्होंने पैसे, इसमें इन्होंने मुझे युआन दिखाए थे, 12 या 11-12 युआन के आसपास कॉफ़ी थी, यानी इंडिया के मान के चलो कि लगभग 120 रुपये के आसपास। फिर मैंने बोला मुझे कैश देना है, बाकी KFC वगैरह में मैं दिखाता हूँ ऑनलाइन हूँ, फिर मैं कैश पेमेंट कर देता हूँ। तो बोलती है कि भाई इसमें आपको 20 युआन देने पड़ेंगे, यानी लगभग मान के चलो 90 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों भाई, अगर आप ऑनलाइन इतना दिखा रहे हो तो आप उनको एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो। बोले नहीं, हमारे इस कॉफ़ी ब्रांड का रूल है कि अगर आप ऑनलाइन करते तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और अगर ऑफलाइन करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बाकी KFC में भी सेम ही है, KFC में भी सेम ही है, वहाँ भी वो बोलते हैं कि भाई डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन, बट वो फिर वो कैश में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर हर जगह में, इसमें नहीं हुआ। बाकी मैंने जहाँ जहाँ आज तक पिया वो सारा हो गया। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, चलो कोई नहीं, मैंने फिर सीधा मैं KFC चला गया पीने के लिए। और कुछ कुछ जगह पर जैसे पेमेंट नहीं भी हो पाती तो वो लड़कियाँ क्या करती हैं, खुद के फ़ोन से पेमेंट कर देती हैं, उसके बाद मुझसे कैश ले लेती हैं। लेकिन मैंने उनको बोला, वो बोलती नहीं नहीं ये भी हमारे उसके रूल्स के खिलाफ है। मैं कहा ठीक है जी, फिर आपके पास कॉफ़ी पीनी नहीं है। दोस्तों निकल पड़ा हूँ, लास्ट 50 किलोमीटर का जो टारगेट है वो और रहा है, फिर आज के हमारे 60 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये ब्रेक अच्छा था, एनर्जेटिक था, थोड़ा मज़ा आया। दोस्तों KFC में मैं लाइफ में पहली बार गया 2015 में, कोई एक दोस्त थी उसको चिकन विकन खाने का ज़्यादा शौक था, उसने मुझे बताया कि वहाँ का चिकन बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो वो जाकर खा कर आई थी, उसके साथ गया था मैं ऐसे बस CP में। और लाइफ में ना मुझे कभी ये पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाने का शौक रहा है, कभी भी नहीं रहा भाई, मैंने याद भी नहीं, मैंने सबसे पहली बार पिज़्ज़ा कब खाया था लाइफ में, दिल्ली आने के बाद खाया था मैं, DU में जब पढ़ता था तब मेरे दोस्त ने खिलाया था, ये पिज़्ज़ा होता है, मोमोज होते हैं, ये बर्गर होती है, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम पर, हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम पर कोई एक आधा रेस्टोरेंट हुआ करता था और हम जानते भी नहीं थे भाई क्या होते हैं पिज़्ज़ा। चलो अब ये पिज़्ज़ा बर्गर की बात उठी गई है तो मैं आपको लाइफ के मेरे कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मैंने ऐसे ही मेरे एक दोस्त के कहने पर मैंने डोमिनोज पिज़्ज़ा एज ए डिलीवरी बॉय का काम किया, मैंने लगभग 1 महीने किया ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा था मुझे। उस टाइम पर मैंने जाना कि भाई ये पिज़्ज़ा ये होता है, क्योंकि हमें बहुत खाने को मिलता था, तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा का टेस्ट चखा था, और ये ऐसे टेस्ट होते हैं भाई एक बार मुंह पर लग जाते हैं ना फिर आपको रहा नहीं जाता। मैं हमेशा वो लड़का रहा हूँ भाई जो घी की केतली हमेशा मेरे बैग में रखता था, कॉलेज में जाता था भाई पढ़ने के लिए घी साथ लेकर जाता था, कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन घी ना हो मेरे पास में। मेरे सब दोस्तों को पता है कि भाई मैं बिना घी ये खाना नहीं खाता, और भाई बिलीव नहीं करोगे कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन मैंने घी ना खाया हो कॉलेज में। और मेरा ऐसा भी नहीं था भाई कि मैं खुद अकेला खाऊंगा, मैं मेरे सारे दोस्तों को खिलाता था, मैं भाई बिना घी का कोई खाना नहीं खाएगा, मेरे साथ खाएगा तो घी खाएगा भाई। तो भाई मेरे घर वालों ने मेरे को खूब देसी घी खिलाया उस टाइम पर, और पिज़्ज़ा बर्गर का कभी शौक रहा नहीं, सिर्फ चूरमा खाने का शौक रहा भाई। तो भाई चूरमा मिल जाता था ना तो स्वाद आ जाता था भाई, चूरमा समझ लो कि लाइफ में मैंने
ऑलमोस्ट हर दिन ही खाया होगा, दिल्ली में रहता था खुद बना लेता था भाई चूरमा। देखो भाई कहने का मतलब देसी समझ लो या कुछ भी समझ लो, हमारे यहाँ एक शक्कर आती है, आपको पता होगा ब्राउन शुगर जिसे बोलते हैं आज के ज़माने में, उससे भी थोड़ी अलग होती है, बढ़िया रहती है हेल्थ के लिए। तो भाई शक्कर के अंदर अपना देसी घी डाल के हम उसको बोलते थे शक्कर बेके खाना, और रोटी के साथ खाते थे, इतना स्वाद आता था भाई। राजस्थान या हरियाणा से कोई बंदा देख रहा होगा ना वीडियो, वो तो पक्का समझ जाएगा भाई शक्कर का स्वाद क्या होता है, अगर वो गांव से बिलोंग करता होगा या शहर में भी चलता हो तो यार। तो भाई शक्कर बेके खाने का मुझे बड़ा शौक है, और शक्कर में चूरमा बनाने का, बाजरे की रोटी का, इतना स्वाद आता है खाने में, आपको भी खा के देखना लाइफ में, किसी राजस्थानी के घर पे जाओ तो आपको मजा आ जाएगा। हाय हाउ आर यू नो इंग्लिश, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हनलिंगी। माय नेम इज लव योर हाउ। ओके, नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया, यू नो इंडिया? इंदो, 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 या इंदो, यस यस। बाय बाय, बाय बाय ब्रो, बाय बाय। अब दोस्तों आपको एक काम करना, मुझे ये बताना है कि किस किस भाई ने आज तक लाइफ में चूरमा खाया है और किस भाई ने शक्कर भिगो के खाई है। शक्कर भिगो के नहीं खाई होगी भाई, बहुत ही कम लोग होंगे शक्कर भिगो के खाने वाले। ये देखो दोस्तों सामने पुलिस चेक पॉइंट आ गया, देखो लाल बत्ती हो रखी है ना यहाँ पर, ओ नहीं नहीं लाल बत्ती है सॉरी। सामने इस जगह को देख कर मुझे लगा पुलिस चेक पॉइंट आ गया, क्योंकि वो लोग हमेशा पासपोर्ट चेक करते हैं। बाकी ऐसे वाले हाईवे पर टोल टैक्स तो नहीं मिलता है, टोल टैक्स मिलेगा ऊपर जो आप देख रहे हो, जो हाईवे बड़ा वाला दिख रहा है आपको उस पर। एक चीज़ और देखो, ये जो देख रहे हो भाई ये लाइन है बाइक्स के लिए, यानी मोटर बाइक्स के लिए, और इस तरफ जो लाइन है वो साइकिल के लिए, वो कारगर नहीं है क्योंकि भाई उसमें कहीं गड्ढे हैं कहीं कुछ है, तो मैं इस पर चला रहा हूँ, लेकिन कोशिश की गई है देखो बनाने के लिए। चलो लेकर देखता हूँ इसके ऊपर, ये है भाई देखो साइकिल की लेन ये बना रखी है ना इसके ऊपर पेड़ों के सारे सारे, और लिखा भी हुआ था बाइक्स नॉट अलाउड, यानी मोटर बाइक्स, कुछ कुछ लोग साइकिल को बाइक ही बोलते हैं इन देशों में। बोर्ड पर आपको तीसरे नंबर पे एक शहर नज़र आ रहा है गुआंगझाओ करके, 108 किलोमीटर है भाई। ये जगह जो देख रहे हो मुझे यहाँ पर पहुँचना है, और ये हमारे इस टूर का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह होने वाली है चाइना में, गुआंगझाओ करके। इतने सारे इंडियंस रहते हैं गुआंगझाओ में, मेरे पास इतने सारे DMs आए भाई हम गुआंगझाओ में, हम गुआंगझाओ में, तो भाई लोग सबसे मिलेंगे गुआंगझाओ में, और सबसे मुलाकात होगी, सबसे बातें होंगी, मज़ा आने वाला है। वहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं अपने इंडिया से, और वहाँ भाई बहुत मज़ा आएगा, मैं एक दो दिन रहूँगा वहाँ पर। देखो दोस्तों एक और शहर आ गया लगभग 5-7 किलोमीटर बाद ही, और इसके स्टार्टिंग में नदी है, देख लो आप। मैं बताता हूँ कि हर चाइना की सिटी जितनी भी मैंने देखी है सब में एक ना एक नदी ज़रूर बहती है आजू बाजू में। अब ये शहर ख़त्म होगा वहाँ एक नदी होगी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, और कभी कभी तो बीच में भी है, इस सिटी के अंदर तो बीच में भी दिखा रखा है देखो। बाकी ये नज़ारे हैं भाई यहाँ के, आज बड़े जल्दी जल्दी शहर आ रहे हैं भाई, देखो कि तीसरा शहर आया है अभी तक। दोस्तों इस हाईवे को बाय बाय, अभी हमें यहाँ से राइट लेना है अगले 39 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ से सीधा हाईवे निकल जाएगा और अपन हो रही है इस छोटे वाले हाईवे पर। वाटर बॉटल मैंने ले ली भाई, वही 36 रुपए के आसपास पड़ी, और राइट साइड में देखो इनका भी मॉल्स वगैरह, KFC तो हर जगह भाई, इनके छोटे बड़े शहर में दो दो तीन तीन KFC मिल जाएंगे, देखो वो रहा वहाँ पर। बाकी ये सारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए, देखो ये आपको दिख रहे होंगे चार्जिंग पॉइंट लगा रखे हैं, सही सिस्टम है। तो पीछे की तरफ देखो कितना बड़ा मार्केट था, अभी रेड लाइट पार करके मैं आगे निकल चुका हूँ, और बहुत ही सारे मार्केट्स ही मार्केट्स हैं आज तो, चौथा पांचवा आया है लगातार चलने में। दोस्तों इस टूर के अभी तक के हाईएस्ट थे 143 किलोमीटर जो मैंने उस दिन मारे थे, और आज 140 कंप्लीट हो चुके हैं। 6:05 लास्ट 20 किलोमीटर का सफ़र और रहा है, यानी 7 हम एंटर कर देंगे, शायद एंटर कर भी चुके हैं पता नहीं, सामने आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, या तो कोई दूसरा टाउन आया या फिर हम पहुँच गए। पूरा 22 किलोमीटर दिखा रहा है, 140 कंप्लीट कर दिए यानी 162 हो जाएंगे आज। लेट्स सी, अभी है टाइम, खींच के लेंगे ढंग से। बाकी मज़ा आ रहा है भाई, आज मैं 160 ही नहीं 180-200 भी मार दूंगा अगर मेरे को अगला टाउन मिल जाए तो, बढ़िया जोश आज। मेनली सबसे आज पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा कि आज हाईवे काफ़ी अच्छा मिला, कहीं वो वाले गांव वाली रोड मिली नहीं, मतलब टोटली अच्छा था, पूरा रास्ता ही बड़ा अच्छा था। पूरा रास्ता अच्छा होता तो फिर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, वो अप्स एंड डाउन से बच जाते हो ना, ठीक रहता फिर तो। हाईवे बड़ा सोना था आज। ये देख लो भाइयों एक और नदी, मतलब अगला टाउन आ गया है। हो भाई साहब, ये तो मेरा एकदम अनुमान बिल्कुल सही था भाई, कोई भी सिटी स्टार्ट होने से पहले पहले आपको एक नदी के दर्शन ज़रूर हो जाएंगे। ये इन्होंने बनाई ऐसा रखा होगा यार, सिस्टम ही ऐसा ही होगा यहाँ पर। तो ये टाउन नहीं है, इससे बाहर निकल रहे हैं अभी, यहाँ से अभी 19 किलोमीटर दिखा रहा, छोटा सा ही टाउन था बस ये,
बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी लगी तो मुझे लगा दूर से। तो ऑलमोस्ट अपन लोग एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से, हो ही गए एग्जिट। दोस्तों लास्ट 13 किलोमीटर हो रहे हैं यहाँ से, मुझे लेफ्ट लेना है थोड़ी देर बाद में, यानी ऑलमोस्ट 400 मीटर बाद सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। और यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट देखो कैसे जाली जुड़ी लगा के बंद कर रखा है। हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। ये जियांग मैन की एंट्री है और पूरा अपन ने 150 किलोमीटर यानी 150 कंप्लीट, लास्ट 10 किलोमीटर और रहे हैं। तो जियांग मैन में आप सभी का स्वागत है। सुबह जो हमारी साइकिल यात्रा स्टार्ट हुई थी, फाइनली जियांग मैन की एंट्री है जहाँ से अभी हम घुस रहे हैं अंदर की तरफ। और यहाँ से अप्रोक्स हमें 8 से 9 किलोमीटर और जाना है सिटी सेंटर के लिए। ये शहर तो बड़ा ही अलग लग रहा है मुझे, पहाड़ भी हैं और थोड़ा डिफरेंट है दूसरे शहरों से, एंट्री भी थोड़ी डिफरेंट है। लेट्स सी क्या देखने को मिलता है इसमें, क्या अलग दिखता है। बट टाइमली पहुँच गए अपन लोग, मज़ा आ गया। और जिस हिसाब से बना रखा है शायद ये पुराना शहर है, देख कर ऐसा ही लग रहा है। रोड्स वगैरह उतनी चौड़ी नहीं है तो दूसरे शहरों की एंट्री होती है। लेफ्ट साइड में इनका पार्क वगैरह आ रखा है और राइट साइड में इनका स्विमिंग पूल या वाटर पार्क टाइप से है। बड़ा ही सुंदर सा एरिया आ रखा है ये, परफेक्ट जगह भाई रात बिताने के लिए। यहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह भी हैं, कॉफ़ी शॉप वगैरह भी है कुछ। और राइट साइड में ये नज़ारा बड़ा सुंदर लगा। तो दोस्तों इस जगह पर आकर लोकेशन ख़त्म हो जाती है और हमारा 162 किलोमीटर का सफ़र यहाँ तक है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। इनका एक एप्लीकेशन है माइतू नाम या ऐसे से कुछ है, वो एक लड़की ने मेरे को डाउनलोड करवाया था, तो उसी पर मैं देखकर एक होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो ये होटल है जहाँ मैं स्टे करने वाला हूँ, अपनी लीलन को ऊपर ही लेकर जा रहा हूँ। लिफ्ट है और 4th फ्लोर पर हमें रूम मिला है। ये सामने काउंटर है और यहाँ से भी जा रहे हैं। देखो दोस्तों 163.5 किलोमीटर, 7 घंटे 56 मिनट में और 2857 कैलोरीज बर्न हुई है। फाइनली हमारा इस टूर का सबसे लंबा आज मार ही दिया 163 किलोमीटर का, और मज़ा आ गया भाई। फाइनली ये रूम लिया है मैंने आज, ये रूम उतने ही युआन का है, 79 का, और देखो छोटा है उससे, बट ठीक है अपने को रात गुजारनी है बस। बाकी यहाँ ये इनका वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी छोटा है उस वाले वहाँ से, बट ठीक है, अच्छा है, जो भी है परफेक्ट है, खुश रहना चाहिए। दोस्तों नहा धो के हो गया हूँ मैं एकदम रेडी, आपको दिख रहा होगा एकदम फ्रेश लग रहा हूँ। 163.5 किलोमीटर की राइड करने के बाद भी एनर्जी फुल है, स्माइल बरकरार है और पूरा हेल्दी हूँ। अब फिर से जा रहा हूँ राइडिंग करने के लिए बाहर, कुछ गेड़ियाँ और मारने के लिए। लीलन से सारा सामान उतार दिया है और अब मैं कुछ दूर यहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। एक जब मैं ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था तो एक भाई से पूछा था, उसने बोला कि एक अच्छी स्ट्रीट है, तो वो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी यार आज मज़ा आ गया, मतलब नेक्स्ट लेवल राइड थी यार। अभी भी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि भाई मैं लगभग 100 किलोमीटर और मार सकता हूँ, मतलब बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। शायद आज रोड अच्छी थी या कल वाले 2 दिन से अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लिया था मैंने कि यार मैं कर लूँगा ऐसे करके। तो चलो मैं फटाफट आपको एक स्ट्रीट में लेकर जाता हूँ, पहले हम जाकर देखेंगे स्ट्रीट कैसी है। अगर स्ट्रीट मस्त रही, जबरदस्त रही, तो इस व्लॉग को एंड करके नया व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। बाकी नॉर्मल रही तो फिर अपन लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जी लीलन को निकालते हैं और मेरे होटल के रूम से बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ। देखो सामने लोकल घर हैं पुराने से लोगों के, और सुबह मैं आपको और अच्छे से नज़ारे दिखा पाऊंगा। सो फाइनली दोस्तों होटल से बाहर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ चारों तरफ सारे ब्रांड्स हैं, हुआई हो गया, एप्पल, हुआई, एप्पल, वीवो, सारे ब्रांड्स हैं इसी इलाके के। 9:58 हो गए भाई लोग पहुँच तो गया हूँ। ये वाली स्ट्रीट बताई थी भैया ने, क्विंग मिंगली भाई। यहाँ पर ये जो देख रहे हो सामने रेस्टोरेंट बने हुए सारे, लेट्स सी क्या क्या सीन बनता है इसके अंदर, चलते हैं थोड़ा। ये देखो भाई सब कैसे रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कुछ खुले हैं कुछ बंद हैं, और ये इस तरह क्या घर से कैसे लग रहे हैं, लोगों के कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे। यार ये जगह मेरे लिए टोटली नई है और आप लोगों के लिए भी शायद। ये यहाँ पर एक कॉफी शॉप आ गई है, वाओ कितनी सुंदर बना रखी है। ओ थैंक यू सो मच, इंडिया इंडिया। I'm riding my bicycle. 是美版、嗯、是外网就是我哦我是 Instagram 看到我们哦、oh, Ins wait I'm Yuna Yuna OK Anna I am Lily Lily oh nice I am Papa तो ये बड़ी ही पॉपुलर स्ट्रीट है। वहां से फिर मैं इस तरफ आ गया उन लोगों के पास से, और उन्होंने बताया कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी गली है, हिस्टोरिक गली, और बड़ा ही अच्छे से देखो इनके घर देख सकते हो आप कितने पुराने हैं। मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों उस गली में घूमने के बाद एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, इसका नाम है लूसीफर करके है, और वो लड़कियाँ बड़ी सही हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तुम कल आना, अभी हमारा ऑलमोस्ट बंद हो गया क्योंकि यहाँ पर 11:30-12 बज गए हैं,
तो हम कल आपके लिए एक बहुत अच्छे नूडल्स बनाएंगे। वैसे तो स्नेल बनते हैं यहाँ पर, स्नेल आपको पता होगा पानी में निकलते हैं भाई, देख कर ही ऐसा लगता है कि कोई इंसान कैसे खा सकता है, बट यहाँ पर बहुत पॉपुलर है और इस रेस्टोरेंट का सबसे ज़्यादा, सारे नॉन वेजिटेरियन थे। तो दोस्तों इसने तो इनके पास रखे हुए थे मूंग, मूंग को एकदम ठंडे पानी में भिगो रखा है अच्छे से और काफ़ी ठंडा हो रखा है, तो फ्रिज से निकाल के दिया, ये खा रहा हूँ भाई। और उसके बाद आगे जाऊँगा ना तो उस तरफ एक मार्ट है, वहाँ से मैं अपनी चाय वगैरह ले लूँगा और उससे काम हो जाएगा, दूध पी लूँगा, दूध पिए कई दिन हो गया आज। तो मुझे कुछ ये चीज़ें दिखाई दी हैं, यहाँ योगर्ट लिखा हुआ था, स्टीर फ्राइड योगर्ट, तो ये भैया को मैंने बोला हूँ बना दो इधर यार, इट्स ओके, थैंक यू शिष्या। तो भाई ये बड़ी सही चीज़ है, इस व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं।